नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्म उत्सव समारोह एवं शोभा यात्रा सुसज्जित झांकियां एवं डीजे के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। सोमवार को विधि निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म उत्सव के उपलक्ष में नगर में शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ व हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। गत वर्षों की भांति शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे से सुसज्जित झांकियां एवं डीजे बैंड बाजों के साथ बिलारी नगर की जाटव बस्ती से प्रारंभ होकर गुड़मंडी, होली चौक, गांधी आश्रम, जूनियर हाई स्कूल, बड़ी मस्जिद, रैली चौक, नेहरू पार्क, नई सड़क, गांधी पार्क से राष्ट्रीय राजमार्ग से होती हुई डॉक्टर अंबेडकर पार्क में जनसभा में परिवर्तित हुई। इस दौरान बिलारी के वाल्मीकि समाज ने भी अपना योगदान दिया एवं अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तहसील अध्यक्ष डॉक्टर जगतपाल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार सिंह, मंत्री के नवल आदि को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। आज बड़ा ही हर्ष और उल्लास का दिन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बिलारी के अंदर निकल रही है, लेकिन मेरे जो आराध्य हैं वो प्रभु श्री राम हैं और मेरे आदर्श भीमराव अंबेडकर जी हैं। मैं आज बहुत दुखी हूँ क्योंकि जितने लोग बाबा साहब अंबेडकर जी की नीतियों का फायदा उठा रहे हैं ऐसे समाज में आके, उन लोगों को मैं आज इस जुलूस के अंदर देख रहा हूँ वो नदारद है। जैसे कोली समाज है, जैसे नाई समाज है, जैसे तेली समाज है, जैसे धोबी समाज है, केवल दो समाज इस जुलूस को आज दम दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, जिसमें जाटा समाज प्रथम और द्वितीय बालिंग समाज। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, जो हमें आज़ादी दी है, वो पूरे देश के लिए दिए, हर बहन बेटी के लिए दिए, हर दलित के लिए दिए, हर दबे के लिए दिए, हर कुचले के लिए दिए, हर पिछड़े के लिए दिए, लेकिन आज इस जुलूस उठाने वाला केवल दो बरादरी ऐसी है जो वाल्मीकि और चाटक, बाकी सब नदारद है। मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है इस बात का, और मैं ये शिकायत कर रहा हूँ आज कि बड़ा अफसोस है। और आने वाले टाइम में जितने एससी की सुविधा उठा रहे हैं वो सब बाबा साहब की इस जयंती को मनाएं, जो परहेज करते हैं इस जयंती उठाने से सोचते हैं कि हम नीचे हो जाएंगे। अबे तुम्हें इतना बड़ा सम्मान बाबा साहब ने दे दिया है, तुम्हें इतने अधिकार दे दिए हैं, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे। आज अगर एक सीट आ जाए नामित पार्षद की तो हर बिरादरी का निकल जाएगा कि मैं भी दलित हूँ। तो आज इस मेले में दलित वो है क्यों नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। जितनी जातियाँ दलित में लगा अपने आप को सम्मान दिए हैं तो आज यह क्यों नहीं है। बस इसी के साथ मैं अपनी बातों का प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम, जय बाबा साहब। सभी देशवासियों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती की 130 जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये जो हमारे बिलारी क्षेत्र में आसपास के गांव से तो ये एक बहुत भव्य जुलूस निकलता है, इसको देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे समाज में इस चीज़ की जागृति आने लगी है। क्योंकि हमारे हिंदू समाज का जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें सभी समाज के लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हम सभी लोगों से ये कहते हैं कि बाबा साहब ने हम लोगों को बाबा साहब ने संविधान दिया और उन्होंने ये दिखाया कि देश संविधान से कैसे चलता है, और इस संविधान के ही जरिए इस देश में धारा 370 हटी है। इसी संविधान के जरिए इस मंदिर यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और हम तो ये कहेंगे कि इस संविधान को हमेशा चलता रहे और इस संविधान के जरिए देश हमारा आगे बढ़ता रहे।